आपके साथ। संसद में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई। धनखड़ ने सपा सांसद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया था। इस पर जया ने कहा, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए लेकिन आपके बोलने का टोन स्वीकार नहीं है। जया की इस बात से धनखड़ नाराज हो गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, आप जानती हैं कि एक एक्टर को डायरेक्टर कंट्रोल करता है, मैं हर दिन अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, हर दिन मैं स्कूली शिक्षा नहीं देना चाहता। सभापति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, आपको डेकोरम बनाकर रखना होगा, आप सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं। जया और धनखड़ के बीच विवाद के दौरान राज्यसभा में हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए और राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। जया बच्चन ने बाहर निकलकर धनखड़ से माफी की मांग की। उन्होंने मीडिया से कहा, जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने माइक बंद कर दिया, वे हर बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि आपके सेलिब्रिटी होने से मुझे परवाह नहीं है, मैं उनसे परवाह करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे माफ़ी चाहिए। जया बच्चन सदन में खुद को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित करने को लेकर नाराज हैं। 22 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में इस मुद्दे पर जया और सभापति के बीच इससे पहले भी दो बार विवाद हुए हैं। जया बच्चन का कहना है कि महिलाओं की अपनी पहचान होती है, उन्हें पति के नाम के साथ संबोधित करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।